तो 2017 में मैं एक 40 केजीज का स्किनी बच्चा था जिसका मेन गोल था बस कैसे भी अपने उस वेट को गेन करना। एंड कट टू अब अपनी उस फिजिक को ट्रांसफॉर्म करने के बाद मुझे इतना तो आइडिया लग गया है कि अपने उस वेट को गेन करने के लिए जिम में बिल्कुल हार्ड ट्रेन करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक प्रॉपर वेल बैलेंस्ड हाई कैलोरी डाइट कंज्यूम करना। एंड क्योंकि मैं खुद काफी स्किनी था सो आई कैन अश्योर यू मेरी उस बल्किंग जर्नी में मेजर रोल मेरी डाइट का ही रहा है। एज जेनेटिक्स का आइडिया तो आप खुद देखकर लगा सकते हो। सो मैं इस वीडियो में आपके साथ 5 डाइट रिलेटेड टिप्स शेयर करने वाला हूं जिनसे आपको अपनी उस वेट गेन जर्नी में हेल्प मिलेगी। एंड ये वो मेन 5 टिप्स होने वाली हैं जिन्हें अगर मैं फ्रॉम द स्टार्ट फॉलो करता तो मैं अपनी उस फिजिक को और भी जल्दी ट्रांसफॉर्म कर पाता। बट या आई रियली वॉन्ट कि आप इन कुछ मिस्टेक से दूर रहो और एक सही अप्रोच के साथ अपनी उस आइडियल फिजिक तक और भी जल्दी पहुंच पाओ। अब वेट गेन करने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि हमें कैलोरी सरप्लस में डाइट कंज्यूम करें। एंड आई नो तुम ये पॉइंट सुनकर बिल्कुल थक और पक चुके हो क्योंकि अगर तुम मेरी तरह एक ट्रू हार्ट गेनर हो तो तुम इस चीज से अच्छे से रिलेट कर सकोगे कि भाई हमें ऑलरेडी पता है कि हमें वेट गेन करने के लिए ज्यादा खाना खाना होगा बट यार मेन प्रॉब्लम ही तो वही है कि ज्यादा खाया ही तो नहीं जाता जिसका रीजन है हमारा लो एपेटाइट। सो अपने उस एपेटाइट को बूस्ट करने के लिए जो बेस्ट टिप मेरे पर्सनली काफी काम आई इज ईटिंग योर फर्स्ट मील इन द मॉर्निंग एज अर्ली एज पॉसिबल कि सिंपली ट्राई करो आप अपने दिन का पहला मील सुबह जितनी जल्दी और पहले कंज्यूम कर सको करो क्योंकि इससे आपके एपेटाइट का काम जल्दी शुरू हो जाएगा एज उसे एक नेचुरल बूस्ट मिलेगा जिससे आप बाकी के आने वाले मील्स और भी आसानी से कंज्यूम कर सकोगे। प्लस इससे हमारी वो ईटिंग विंडो भी बढ़ जाएगी विच मींस आप अपने दिन का लास्ट मील और भी आसानी से खा सकोगे या इवन एक और छोटा स्नैक या मील ऐड कर सकोगे विच इज इवन बेटर। एंड देखो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि उठते ही फटाफट ऐसे अपना पहला मील ले लो आराम से ब्रश करो अच्छे से फ्रेश वगैरह होकर सारी फॉर्मेलिटीज निपटाओ एंड देन आधे से या मैक्स एक घंटे में अपना वो पहला मील ले लो। एंड अपने दिन का पहला मील सुबह जल्दी लेने का सबसे बेस्ट तरीका है ड्रिंकिंग अ हाई कैलोरी स्मूदी जिससे हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। अब बल्किंग के लिए मेरी बेस्ट 101 टिप रही है कंज्यूम लिक्विड कैलोरीज फ्रॉम शेक्स एंड स्मूदीज। एज एक शेक या स्मूदी को आप अपने बाकी मीट से कंपैरेटिवली और भी आसानी से कंज्यूम कर सकोगे एंड सिर्फ उसी से आपको 800 से 1000 कैलोरीज मिल जाएंगी विद गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन। चलो मैं आपको मिलाता हूं अपने डैंडी शेक से जो मेरी फिटनेस जर्नी के डे 1 से लेकर आज तक मेरी डाइट में एडेड है एंड ये टेस्टी तो है ही बट इसे बनाना भी सुपर सिंपल है। फर्स्ट वी विल टेक 60 ग्राम्स ऑफ ग्राइंडेड ओट्स। एज बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होने की वजह से ओट्स काफी इजिली हमारे शेक में मिक्स हो जाएंगे जिसकी वजह से आप इन्हें और आसानी से कंज्यूम कर सकोगे। एंड क्योंकि मैं 3-4 साल से सेम यही शेक लेता आया हूँ सो मेरी मम्मा पहले से इन्हें अच्छे से ग्राइंड करके ऐसे एक बॉक्स में रख देती हैं विच मेक्स द प्रोसेस इवन इजी। थैंक यू मम्मी। देन वी विल टेक 1 बनाना। यू कैन ऐड 2 ऑल्सो फॉर एक्स्ट्रा कैलोरीज बट स्टार्टिंग में 1 इज गुड। देन 300 ml ऑफ मिल्क फॉर सम गुड फैट्स एंड प्रोटीन। ऑल्सो एक टिप यू कैन ऐड 30-50 ml ऑफ वाटर आफ्टर द मिल्क इससे हमारा शेक और भी स्मूथ हो जाएगा। देन वी विल टेक 2 टेबलस्पून ऑफ पीनट बटर विच इज ऑलमोस्ट 64 ग्राम्स। एज पीनट बटर एक काफी अच्छा हाई कैलोरी फूड सोर्स है जिसके एक टेबलस्पून से हमें इजी 190 कैलोरीज मिल जाएंगी। एंड मैं यहाँ पिंटोला का ऑल नेचुरल पीनट बटर यूज कर रहा हूँ एज इट इज फ्री फ्रॉम एनी प्रिजर्वेटिव शुगर एंड हाइड्रोजनेटेड ऑयल एंड इज ऑल्सो रिच इन फाइबर एंड प्रोटीन। एंड ऑनेस्टली मैं हमेशा पिंटोला ही रेकमेंड करता हूँ क्योंकि मैं शुरुआत से इन्हीं का पीनट बटर यूज करता आया हूँ। सो या तुम भी इसे चेकआउट कर सकते हो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। देन पीनट बटर के बाद वी विल टेक 10 ग्राम्स ऑफ कोको पाउडर एज ए हमारे शेक को वो नेक्स्ट लेवल टेस्ट दे देगा। एंड देन 2 टेबलस्पून ऑफ हनी फॉर सम एक्स्ट्रा कैलोरीज एंड टेस्ट। अब इसे सिंपली कर दो शेक एंड हो गया हमारा डैंडी शेक रेडी। एंड इस डैंडी शेक से आपको इजी 1000 कैलोरीज से ऊपर मिल जाएंगे। एंड अगर आप पूरे दिन में ऐसे 2 शेक लोगे लाइक एक ब्रेकफास्ट में और एक डिनर में तो सिर्फ उन्हीं से आपको 2000 कैलोरी से ऊपर मिल जाएगी वो ही बिना किसी एक्स्ट्रा स्ट्रगल के। एंड फिर लंच में घर का एक डिसेंट हैवी मील खा लेना जिससे तुम काफी आसानी से एक सरप्लस में आ जाओगे। एंड ट्रस्ट मी भाइयों ये डैंडी शेक एक काफी बड़ा हैक होने वाला है तुम्हारी वेट गेन जर्नी में एज इसके थ्रू तुम 60 ग्राम्स ऑफ ओट्स काफी आसानी से कंज्यूम कर लोगे। एंड अगर यही ओट्स तुम एज अ ओट मील कंज्यूम करते तो शायद पहली बार में खा भी नहीं पाते। एंड अगर कुछ को शुरुआत में ये थोड़ा सा भी हैवी लगे तो स्टार्टिंग में क्वांटिटीज को थोड़ा कम रखना लाइक यू कैन स्टार्ट विद 40-50 ग्राम्स ऑफ ओट्स एंड ओनली 1 टेबलस्पून ऑफ पीनट बटर एंड देन इवेंचुअली उन्हें इंक्रीज करते जाना। आई रिमेंबर मैंने तो खुद 40-50 ग्राम्स ऑफ ओट्स से शुरुआत की थी एंड देन मैं 120 तक भी गया था। एंड उसके बाद तो मैं इसमें आलमंड्स वॉलनट्स हाइड एंड सीक और पता नहीं क्या क्या डालने लग गया था। सो या आप खुद से भी इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हो बस स्टार्टिंग के लिए डैंडी शेक इज द वे टू गो। सो आज से ही इस डैंडी शेक को अपनी डाइट में ऐड कर लेना एंड कमेंट्स में डैंडी शेक डे 1 के साथ अपना करंट बॉडी वेट मेंशन कर देना एंड देन हर 10-15 डेज में अपने उसी कमेंट पर अपना करंट बॉडी वेट रिप्लाई कर देना। इससे हम दोनों साथ में तुम्हारे प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकेंगे जिससे दोनों ही मोटिवेटेड रहेंगे। कैलोरी डेंस फूड्स वो फूड्स होते हैं जो आपको कम क्वांटिटी में काफी हाई कैलोरीज प्रोवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ड्राई फ्रूट्स पीनट बटर ऑलिव ऑयल पनीर। क्या आप जानते हो 1 टेबलस्पून ऑफ पीनट बटर में होती है 190 कैलोरीज। 50 ग्राम्स ऑफ आलमंड्स कैश्यू वगैरह में होती है 300 कैलोरीज एंड सिर्फ 100 ग्राम्स ऑफ पनीर में भी होती है 300 कैलोरीज। एंड देखो यही रीजन है कि हमने हमारे डैंडी शेक में 2 टेबलस्पून ऑफ पीनट बटर डाले थे एंड सिर्फ उसी से हमें इजी 380 कैलोरीज मिल गई थी। एंड ऐसे ही आप अपने डैंडी शेक में और आलमंड्स और काजू डाल सकते हो 10-10 ग्राम्स ईच फॉर सम एक्स्ट्रा 200 कैलोरीज। आई रिमेंबर मैं तो पूरे दिन में कभी
अभी भी एक हैंडफुल अमाउंट ऑफ नट्स खाता रहता था एंड शेक में तो पीनट बटर डालता ही था बट अलग से भी 1 टेबलस्पून खा लेता था, जिससे मैं इजिली अपनी डाइट को इंजॉय करने के साथ साथ एक सरप्लस में आ जाता था। हाँ, पनीर की कैलोरीज का आइडिया नहीं था, वरना चीजें और भी आसान हो जाती। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने लंच में 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल यूज करके 200 ग्राम ऑफ पनीर की एक सब्जी प्रिपेयर कर लो एंड उसके साथ अगर तुम एक भी रोटी खा लोगे इंस्टेड ऑफ टू तो तुम्हें इजिली 1000 कैलोरीज मिल जाएंगी। एंड क्योंकि हम ऑलरेडी 2 डैंडी शेक कंज्यूम कर रहे होंगे एक ब्रेकफास्ट और डिनर में, सो पूरे दिन में सिर्फ इन 3 मील से ही हमें इजिली 3000 कैलोरीज से ऊपर मिल जाएंगी। एंड ट्रस्ट मी, इट्स एज सिंपल एज इट साउंड्स। एंड देखो, एज अ भाई तुम्हें एक टिप दूंगा, मैं पिंटोला का पीनट बटर काफी टाइम से यूज करता आ रहा हूँ, इसलिए हर बार सजेस्ट भी करता हूँ। बट अगर तुम फॉर एनी रीजन पिंटोला या कोई भी पीनट बटर अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर से बल्क में पीनट्स लेके आओ और घर पर खुद का ही पीनट बटर प्रिपेयर कर लो। बट प्लीज बस अपनी डाइट के साथ कंसिस्टेंट रहना बिना कोई फालतू एक्सक्यूज के। अब अपनी फिटनेस जर्नी की शुरुआत में मेरे अकॉर्डिंग मैं काफी ज्यादा खाना खा रहा था एंड आई थॉट कि मैं तो इजिली 3000 कैलोरी से ज्यादा खा रहा हूँ। बट रेगुलरली जिम जाने के 4-5 महीने बाद भी मेरे वेट में मैक्स 2 से 3 केजीज का ही डिफरेंस था। बट जब कुछ टाइम बाद मैं फाइनली अपनी डाइट और मील्स को ट्रैक करने लगा, देन आई रियलाइज कि मैं उस टाइम 3000 कैलोरीज नहीं बल्कि सिर्फ 2000 ही खा रहा था, या शायद उससे भी कम। क्योंकि एज अ हार्ट गेनर हमें लगता है कि हम काफी ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, बट इन रियलिटी में कैलोरी सरप्लस में नहीं होते। प्लस क्योंकि हमारा एपेटाइट भी काफी कम होता है, तो अगर हम थोड़ा सा भी खा लें तो हमारी बॉडी को लगता है काफी कैलोरीज मिल गई। सो इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट टू ट्रैक योर डाइट। एंड देखो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि शुरुआत में अपना 1-1 ग्राम ट्रैक करो, बट हाँ, आपको एक आइडिया जरूर होना चाहिए। इसलिए आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप ऐसे एक वेइंग स्केल में जरूर इन्वेस्ट करो, या आपको सिर्फ 200 से 300 का पड़ेगा, बट ट्रस्ट मी, जो वर्थ और वैल्यू या आपकी फिटनेस जर्नी या इवन लाइफ में ऐड करेगा वो उससे काफी ज्यादा होगी, मतलब प्राइसलेस। अब जैसे डैंडी शेक की कैलोरीज तो हमें ऑलरेडी पता है, बट वेइंग स्केल की हेल्प से आप क्वांटिटी सही रख पाओगे एंड फ्यूचर में भी उन्हें अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकोगे। एंड आपको मेरे चैनल पर और भी काफी हाई कैलोरी रेसिपीज और मील्स की वीडियोस मिल जाएंगी उनकी मैक्रोस के साथ, जिन्हें आप अपनी प्रेफरेंस और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक वेइंग स्केल की हेल्प से अपनी डाइट में ऐड कर सकोगे। एंड तुम्हारा काम आसान करने के लिए मैं सबसे बेस्ट डील वाला वेइंग स्केल ढूंढकर उसका लिंक नीचे ड्रॉप कर दूंगा एंड सारी रेसिपीज और बल्किंग वीडियोस के भी लिंक्स तुम्हें नीचे मिल जाएंगे। सो जस्ट एंजॉय, यू नो। स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर प्रोटीन। हाँ, तुमने सही सुना, अपनी उस वेट गेन जर्नी में प्रोटीन पर फोकस और खासकर वो ऑब्सेशन छोड़ दो। और इससे पहले तुम बोलो अबे ये क्या बकवास है, मेरे इस पॉइंट के पीछे रीजन है कि प्रोटीन एक काफी सेचिएटिंग फूड सोर्स है, जिसका मतलब ये आपके पेट को लंबे टाइम के लिए फिल रखता है, एज हमारी बॉडी को इसको ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट करने में वो एक्स्ट्रा टाइम और एनर्जी लगती है, जो इवेंचुअली हमारे एपेटाइट को और सप्रेस कर देता है। और सिर्फ मेरे ही नहीं, साइंटिफिक स्टडीज के अकॉर्डिंग भी कार्ब्स और फैट्स के मुकाबले आपकी बॉडी को ज्यादा टाइम और एनर्जी लगती है उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में। यही रीजन है कि फैट लॉस में एक हाई प्रोटीन डाइट रिकमेंड की जाती है, एज एक तो प्रोटीन के सेशिएटिंग होने की वजह से फैट लॉस में हमारा पेट थोड़ा लंबे टाइम के लिए फिल रहता है, प्लस हमारी बॉडी उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में वो एक्स्ट्रा कैलोरीज भी बर्न कर लेती है। सो इसलिए अपने बल्क की शुरुआत में इस प्रोटीन से ऑब्सेशन छोड़ दो। प्लस यार, एक हाई कैलोरी डाइट का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि हमें ऑलरेडी ही एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिल रहा होता है। 70 ग्राम ऑफ प्रोटीन तो हमें सिर्फ 2 डैंडी शेक से मिल जाएगा, प्लस वो पनीर वाले मील से 40 ग्राम, सो 110 ग्राम ऑफ प्रोटीन तो हमें बिना कोई वे प्रोटीन यूज करे ही मिल रहा है, विच इज मोर देन इनफ। सो यार, प्रोटीन डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है फॉर रिकवरी, बट बल्किंग में एक हायर अमाउंट ऑफ कैलोरीज कंज्यूम करने से हमारी रिकवरी ऑन पॉइंट ही रहने वाली है। जस्ट मेक श्योर आप एक प्रॉपर डाइट के साथ रोज एटलीस्ट 7 to 8 hours ऑफ स्लीप ले रहे हो। सो यार, ये थी वो 5 मेन डाइट टिप्स जिन्हें फॉलो करके आपको अपनी उस वेट गेन जर्नी में हेल्प मिलेगी। जस्ट मेक श्योर आप डाइट के साथ साथ एक प्रॉपर वर्कआउट रूटीन भी फॉलो कर रहे हो, जिससे आप वेट के साथ साथ एक गुड अमाउंट ऑफ मसल भी गेन कर पाओ। मैंने अपना एक फ्री वर्कआउट रूटीन इस चैनल पे डाला हुआ है, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मैं एक 3000 कैलोरी डाइट प्लान की भी PDF नीचे ड्रॉप कर दूंगा, जो वही सेम 3 मील डाइट प्लान होने वाले हैं जो मैंने पहले मेंशन किए थे, जिसमें मैं मील्स के साथ साथ उनके मैक्रोस, रेसिपीज और इवन क्वांटिटीज भी इन डिटेल मेंशन कर दूंगा। सो यार, मैंने तो अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर लिया कि तुम्हारे लिए सारी चीजें सिंपली सॉर्ट हो जाएं। अब बस मेरे लिए और एटलीस्ट अपने लिए जस्ट डाइट के साथ कंसिस्टेंट रह के हार्ड ट्रेनिंग के साथ प्रॉपर 7 to 8 hours ऑफ स्लीप लेना, एंड 2 से 3 महीने बाद तुम्हें और तुम्हारे आसपास सभी को वो लेजिट डिफरेंस दिख जाएगा। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड ऑलवेज रिमेंबर वी आर ऑल इन दिस टुगेदर, सो अगर मैं कर सकता हूं तो तुम तो यार जरूर कर सकते हो। जस्ट स्टे कंसिस्टेंट एंड स्टे हार्ड। सो इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज लाइक दिस वीडियो। अगर चैनल पे नए हो और वीडियो पसंद आई सो डू सब्सक्राइब माय चैनल, मैं हर वीक इस पे फिटनेस रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूं। शेयर दिस वीडियो विद अ फ्रेंड ताकि उसे अपनी बल्किंग जर्नी में हेल्प मिले, एंड नीचे अपना करंट बॉडी वेट जरूर कमेंट कर देना। और अगर तुम्हें ऐसी वर्कआउट रिलेटेड टिप्स चाहिए तो वो भी मुझे जरूर बताना। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहां मैं अपनी फिटनेस और लाइफ अपडेट्स डालता रहता हूँ। एंड या ऑल द बेस्ट, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और अभी किचन में जाकर फटाफट से अपना डैंडी शेक बना लो। बाय बाय।